नमस्कार, मैं राजीव सहानी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से आज अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे और कुछ इस पर शेयर करना चाहूँगा अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो आपका, इसकी जो आकृति होती है वो घोड़े की होती है। अश्विनी नक्षत्र वाले थोड़ा जल्दी में रहते हैं, गुस्से वाला स्वभाव रहता है, एग्रेशन रहता है। लेकिन ये अश्विनी कुमार जो हैं आयुर्वेद के जो देवता कहे गए हैं, तो इफ सन इज इन अश्विनी नक्षत्र द पॉसिबिलिटी द पर्सन कुड बी अ डॉक्टर, एक ये भी होता है। दूसरा, मैं कुछ डिफरेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। अगर किसी का केतु ही अश्विनी नक्षत्र में चला जाए, अश्विनी नक्षत्र में, तो पूर्व जन्म में ये व्यक्ति लड़ाई झगड़े में बहुत इन्वॉल्व रहा। इस जन्म में ये लड़ाई झगड़े से बचता है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। यानी अश्विनी नक्षत्र आपका जो है केतु अश्विनी नक्षत्र में है, तो पूर्व जन्म में आपने लड़ाई झगड़े बहुत किए, इस जन्म में आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह से लेते हैं। ऐसे ही मैं ये बताता हूं कि मंगल जैमिनी के अंदर जो है सूत्र है, इफ योर मार्स इज ऑन हाइएस्ट डिग्री, मार्स इज ऑन हाईएस्ट डिग्री, तो पिछले जन्म में आपने लड़ाई झगड़े बहुत किए, इस जन्म में आपके पास लड़ाई झगड़े आते हैं बट आप बच के निकलना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर? दोनों को टैली कर दिया, जैमिनी के सूत्र को भी और नक्षत्र के भी सूत्र को, ठीक है? इसी तरह मैं छोटी छोटी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा और आप देखिएगा इसको और अपने आप व्यूज दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।